अपनी पांच मांगों को लेकर ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की बंद की कॉल पर मोगा में परचून और थोक दवा विक्रेताओं पर आज मोगा ने अपनी दुकानें बंद रखीं और रोष प्रदर्शन भी किया। वहीं पंजाब परचून दवा विक्रेता के पंजाब प्रधान कोमल जैन ने मोगा के सीएमओ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम अपनी पाँच मांगों को पूरा करवाने के लिए एक मांग पत्र भी दिया। वहीं उन्होंने बताया कि पंजाब में दवा विक्रेताओं पर पुलिस की दखलंदाजी बहुत बढ़ रही है। पुलिस ने अगर कोई रेड करनी है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ लेकर करे, बिना ड्रग इंस्पेक्टर के पुलिस परेशान न करे। वहीं पंजाब में बंद पड़ी नई दुकानों को खोलने के लिए लाइसेंस दोबारा खोले जाएं। उन्होंने कहा कि हर साल पंजाब में सैकड़ों लड़के लड़कियाँ फार्मेसिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल रही। कम से कम अगर उनको नई दुकान खोलने का लाइसेंस तो मिले, वह अपना कारोबार तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए तो इस तरह उन्होंने कहा कि हमारी पांच मांगे हैं जिनको सरकार पूरा करे। अगर हमारी मांगों की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो दवा विक्रेता वो अपना संघर्ष तेज रखेंगे। रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन और पंजाब के जी रिटेलर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन है वो वालों और साड़ी जी बेसिक जी AIOCD है उन्होंने वालों एक कॉल की गई है जिन्हों सारे कैमिस्टा ने रलवा भरवा हंगारा दिता है। ये साड़िया मेन मंगा यही है कि जी पंजाब दे विच मेनली मैं गल करा तो पुलिस की जी धक्केशाही है वो बहुत ज़्यादा जोर से है। बिना ड्रग इंस्पैक्टर तो पुलिस कैमिस्टा दुकाना से जाके पूरी धक्केशाही कर रही है। जिस ट्रेड के बारे उन्होंने पता ही नहीं उदे बारे वो जाके साढ़े नाल धक्का करते हैं। कैमिस्टा चक के उन्होंने बिना नजायज परचे पाए जा रहे हैं। दूसरी साड़ी है डिमांड है कि जी ऑनलाइन ट्रेडिंग है फार्मेसी की वो बंद की जाए। तीसरी है सरकार ने एक नवा ई पोर्टल सिस्टम शुरू किया है जिद सारी जी साड़ी सेल है उन्होंने ऑनलाइन चढ़ाने की उन्होंने व्याख्या की हैगी है। जिहड़ा अज की तरीक दे विच बहुत मुश्किल काम है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मोगा से हरपाल सिंह जीवे पंजाब के लिए।